दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद अचानक से हुआ वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में चौंकाने वाला बदलाव। भारतीय टीम को इस जीत के बाद हुआ पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा फायदा, जबकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका। और वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की टीम हुई हैरान और परेशान। तो दोस्तों क्या है वर्ल्ड कप 2023 में पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण, कौन सी चार टीम टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करेगी और कौन सी टीम होगी वर्ल्ड कप 2023 से बाहर, बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को जीते तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों पॉइंट टेबल को देखने से पहले आइए देख लेते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच की शॉर्ट हाईलाइट को। तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का 9वां मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच में खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। दोस्तों अफगानिस्तान ने 10 ओवर के अंदर ही अपने 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन फिर हसमत जदरान और अजमत दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान की पारी को संभाला और अफगानिस्तान का स्कोर निर्धारित 50 ओवर में 272 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा असमत जदरान ने 80 और अजमत ने 60 रन बनाए। और वहीं भारत के लिए सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाया। और वहीं स्लक्ष का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रही। दोस्तों भारतीय टीम के दोनों ओपनर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 90 रनों के पार पहुंचा दिया। और रोहित शर्मा और ईशान किशन ने अच्छी साझेदारी की और भारतीय टीम को बिना विकेट खोए 150 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके दौरान रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा करके भारतीय टीम को इस मुकाबला में जीत दिला दी। दोस्तों भारतीय टीम के लिए इस मुकाबला में रोहित शर्मा ने 131 रन बनाए। तो दोस्तों भारत की शानदार जीत के बाद आइए नजर डालते हैं वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है। दोस्तों न्यूजीलैंड ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में 2 मुकाबला खेला है, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम को दोनों मुकाबला में शानदार जीत मिली है, जिसके चलते न्यूजीलैंड के पॉइंट टेबल पर 4 अंक है। और दोस्तों अगर न्यूजीलैंड को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो यहां से बचे 7 में से 5 मुकाबला जीतना होगा, जबकि इस जीत के बाद दूसरे नंबर पर हमारी भारतीय टीम है। दोस्तों भारतीय टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 2 मुकाबला खेला है, जिसमें भारतीय टीम को दोनों मुकाबला में शानदार जीत मिली थी, जिसके चलते भारतीय टीम के पॉइंट टेबल पर 4 अंक है। और दोस्तों भारतीय टीम को अगर यहां से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो बचे हुए 7 में से 5 मुकाबला को जीतना होगा, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है। दोस्तों पाकिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 2 मुकाबला खेला है, जिसमें इनको दोनों मुकाबला में शानदार जीत मिली है, जिसके चलते इनके पॉइंट टेबल पर 4 अंक है। और अगर पाकिस्तान को भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो बचे हुए 7 में से 5 मुकाबला जीतना होगा। और वहीं पॉइंट टेबल में 4 नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 में 1 मुकाबला खेला है, जिसमें इनको शानदार जीत मिली है, जिसके चलते इनके पॉइंट टेबल पर 2 अंक है। और अगर साउथ अफ्रीका को प्लेऑफ में जाना है तो इनको बचे हुए 8 में से 6 मुकाबला जीतना होगा। और वहीं पॉइंट टेबल पे 5वें नंबर पर इंग्लैंड की टीम है। दोस्तों इंग्लैंड ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 2 मुकाबला खेला है, जिसमें इनको 1 मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है और वहीं इनको 1 मुकाबला में शानदार जीत मिली है, जिसके चलते इनके पॉइंट टेबल पर 2 अंक है। और दोस्तों इंग्लैंड को यहां से प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 7 में से 6 मुकाबला जीतना होगा, जबकि 6वें नंबर पर बांग्लादेश की टीम है। दोस्तों बांग्लादेश ने अभी तक वर्ल्ड कप में 2 मुकाबला खेला है, जिसमें इनको 1 मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा था और वहीं 1 मुकाबला में शानदार जीत मिली थी, जिसके चलते इनके पॉइंट टेबल पर 2 अंक है। और दोस्तों बांग्लादेश को भी प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 6 मुकाबला जीतना पड़ेगा। और वहीं 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक वर्ल्ड कप में 1 मुकाबला खेला है, जिसमें इनको करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते इनके पॉइंट टेबल पर 0 अंक है। और अगर ऑस्ट्रेलिया को यहां से प्लेऑफ में जाना है तो बचे हुए 8 में से 7 मुकाबला जीतना ही पड़ेगा, जबकि पॉइंट टेबल पर 8वें नंबर पर श्रीलंका की टीम है। दोस्तों श्रीलंका ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में 2 मुकाबला खेला है, जिसमें इनको दोनों मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते इनके पॉइंट टेबल पर 0 अंक है। और श्रीलंका को भी यहां से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो बचे हुए 7 में से 7 मुकाबला जीतना होगा, जबकि वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में 9वें नंबर पर नीदरलैंड की टीम है। दोस्तों नीदरलैंड की टीम ने अभी तक 2 मुकाबला खेला है, जिसमें इनको दोनों मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते इनके पॉइंट टेबल पर 0 अंक है। और अगर नीदरलैंड को भी प्लेऑफ में जाना है तो इनको बचे हुए 7 में से 7 मुकाबला जीतना होगा, जबकि पॉइंट टेबल में 10वें नंबर पर अफगानिस्तान की टीम है। दोस्तों अफगानिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 2 मुकाबला खेला है, जिसमें इनको दोनों मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते इनके पॉइंट टेबल पर अभी 0 अंक है। और अफगानिस्तान को भी प्लेऑफ में जाने के लिए 7 में से 7 मुकाबला जीतना होगा। तो दोस्तों ये था वर्ल्ड कप 2023 में पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और इस वर्ल्ड कप को कौन सी टीम जीतेगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।